हेलो दोस्तों बच्चों, रिकू चिकू की कहानी में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रिकू का भाई जो चिकू है यहाँ पे नाराज होके बैठा है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। और देखो यहाँ पे रिकू चिकू के मम्मी पापा तो सोए हुए हैं और रिकू आके खोल कर फाड़ फाड़ कर देख रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसको। चलो चलो इस गंदगी में ये क्या कर रहा है, पूछते हैं इसको आके क्या है इसकी नाराजगी। अरे चिकू, तुम यहाँ पे ऐसे नाराज होकर क्यों बैठे हो? अरे मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। अरे बच्चे, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे होगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, ओहो पापा मुझे कुछ लेकर नहीं देते हैं, सब कुछ रिकू को ही देते हैं। अरे बेटा ऐसे नहीं है, तेरे पापा तुझे भी लेकर देंगे। देखो बस आके खड़ी है और यहाँ पे देखो गणेश कब से छुप कर देख रहा है, तुम्हें पता है स्कूल का वेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं करते हैं, बस देखो घंट कब से आवाजें दे रहा है, गाड़ियों का आवाज आ रहा है। ऐसे मत करो चिक्कू, जल्दी जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे रे रे अरे रे रे अरे रिकू की मम्मी, चिक्कू की मम्मी, जल्दी उठो जल्दी उठो, अरे जल्दी उठो, तुम लोग तो इतना सो रहे हो। अरे तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तैयारी करके ऐसे ही बैठा है। देखो हाथ में बॉटल है, सब कुछ है, टाई वगैरह लगाकर ऐसे ही बैठा हुआ है, नाराज है। अरे तुम्हारी तैयारी, ओहो अरे कैसी माँ हो तुम, इतने लेट क्यों उठती हो? अरे मैं लेट नहीं उठ रही हूँ, मैंने इसकी तैयारी करके इसे सब कुछ दे के रेडी करके बस वाले को बोलकर आई थी और मेरी आंख लग गई, मैं वापस सो गई। अभी इसमें मेरी क्या गलती है भला? अभी ये लड़का स्कूल नहीं जा रहा है, अभी इसकी गलती है, इसे तो मारना पड़ेगा लग रहा है। अरे रे मारो मत मारो मत, रिकू चिकू की मम्मी इसको पूछो कि इसका प्रॉब्लम क्या है। अरे बताओ बाबा बताओ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे तो हर दिन एक प्रॉब्लम होती है। अरे रे रे जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारी सही में पिटाई होगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। सही में मुझे बहुत गुस्सा ज्यादा आ रहा है चिकू। अरे रे मम्मी, तुम्हारे से मुझे बात नहीं करना है, मुझे पापा से बातें करनी है। पापा सोए हुए हैं अभी, ठीक है, ज्यादा बकबक नहीं करना। अरे मम्मी मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है बस। ओहो ये बच्चा तो दिन ब दिन बड़े लोगों की तरह जिद्दी हो गया है। ओहो जैसे कि एक बार बात नहीं करी तो नहीं करनी, पता नहीं इसे क्या हो गया है, कहाँ से इतना जिद आ गया है इसके अंदर। ओहो पहले से ऐसा नहीं था, अभी इसके पापा को मुझे फिर से कुछ तो लाने के लिए भेजना पड़ेगा इसको मनाने के लिए। अरे भैया बस वाले तुम चले जाओ भाई, हमारे वजह से रुको नहीं। अरे गणेश तू छुप छुप के बगीचे के पीछे क्या देख रहा है, और तुझे समझ में नहीं आता यहाँ पे तू बगीचे के पीछे खड़ा है? ओहो अरे रे मैं किसी को देखना नहीं चाहता, मुझे आंख आई है मम्मी। ओहो अरे आंटी मुझे आंख आई है, आंख आई है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बाबा मुझे तो देख ही मत, मेरी आंखें खराब ना हो जाए। अरे रे रे देखो देखो वो गणेश भी तुम्हारी वजह से स्कूल ले जा रहा है चिकू, तुम्हारी लत लग गई है उसको भी, तुम्हारी लत लग गई है उसे भी, सच में देखो स्कूल नहीं जा रहा है वो भी। सही में तुम दोनों बिगाड़ दोगे उसको भी, तुम्हारी तरह ही बना दोगे। मम्मी आप मेरी माँ हो कि उसकी माँ हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ लेकिन मैं गलती को सपोर्ट नहीं करती। चलो चलो जल्दी से, क्या ही चाहिए तुम्हें जल्दी बताओ। मम्मी मुझे फ्रूटी चाहिए, मुझे फ्रूटी चाहिए, अगर आपने मुझे फ्रूटी दिलाया तो मैं खुशी खुशी स्कूल जाऊंगा। हाँ हाँ यही काम है मुझे, रोज पैसे खर्चा करने और मिठाई लो फ्रूटी लो ये लो वो लो, यही मेरा काम है ना। आम लो बगीचे के तोड़ो, यही मेरा काम है। तुम्हें तो कुछ समझता ही नहीं है कि रिक्शा कब से रोज रिक्शा खड़ी रहती है। ओहो चलो मैं फ्रेश होके आती हूँ। मम्मी आप जब तक नहीं आएगी मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। रिकू जिद मत करो, जाओ जल्दी से बेड पे जाके बैठ जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे फ्रूटी चाहिए फ्रूटी चाहिए फ्रूटी चाहिए। अरे क्या हुआ चिकू, क्यों इतनी जिद कर रहा है आज भी रोज की तरह? पापा मुझे फ्रूटी चाहिए, मुझे फ्रूटी चाहिए। अरे बेटा इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है, रोज तुम्हारा कुछ ना कुछ नाटक रहता ही है। अब मैं फ्रूटी कहाँ से मंगाऊँ, यहाँ पे कौन लाके देने वाला है? अरे मालिक मैं लाके दे सकती हूँ। अरे तुम कांता चुप बैठो, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बच्चे रोज का नाटक हो चुका है। तुम वहां पे चुपचाप से काम करो, अपना रिक्शा साफ करो, जल्दी करो कांता मुझे जाना है। अरे रे रे मालिक मैं लाके दे सकती हूँ, आप बुरा ना माने। अरे रे कांता चुप बैठो, तुम अगर बोलोगी तो बच्चों को और शेय मिलेगा मस्ती करने का, वो और भी खाते पीते रहेंगे बाहर और स्कूल नहीं जाएंगे, जिद करते बैठेंगे। ओहो अरे पापा समझ ही नहीं पा रहे हैं, मैं तो हफ्ते में 2 ही बार लेता हूँ, फिर भी पापा मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे क्या फुसफुस कर रहे हो दोनों जन,
अरे रे, अरे चिक्कू तुम उठकर बैठो यहाँ पे। तुम क्यों लेटे हो? तुम भी स्कूल नहीं गए आज। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था? तुम्हारी क्लास को क्या हो गया? पापा कुछ नहीं हो गया है, मैं कल से जाऊंगा, कल से। क्यों, आज क्या हो गया है? आज क्या स्कूल बंद हो गया है? आज क्या स्कूल में प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुम्हारी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे पापा प्लीज, मुझे सारे सवालों की जवाब नहीं करने हैं। देने जवाब हो नहीं रहा है, डर लग रहा है पिटाई का, इसलिए तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। बहुत ही गंदे बच्चे हो गए तुम दोनों, सच में फ्रूटी के चक्कर में। जाओ मत जाओ स्कूल। अरे रे, अब क्या होगा? पप्पा भी नहीं, मम्मी भी नहीं फ्रूटी लेके दे रहे हैं। आंटी प्लीज प्लीज, आप मुझे फ्रूटी दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम्हारे पापा मुझे चिल्लाएंगे, तुम्हारे पापा चिल्लाएंगे। अब कांता वहां से आती है। बेटा एक काम करो, तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तो मुझे दे दो, मैं पैसों से जाके तुम्हारे लिए दो फ्रूटी लेके आऊंगी, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बड़े छोटे भाई के लिए। अगर है तो मुझे दे दो बेटा, जल्दी से। नहीं नहीं कांता आंटी, आपको नहीं पता, पापा को पता लगा ना, आपकी तो खतिया खड़ी होगी और साथ में मेरी भी होगी। अरे मेरी नहीं होगी, तुम्हारे पापा मुझे क्या मारेंगे, सारा गांव मुझसे डरता है। अरे नहीं आंटी, आप नहीं जानते, मेरे पापा बहुत डेंजर है। अरे मैं उनसे भी डेंजर हूँ। ओहो, अगर देना है तो जल्दी पैसे दे दो, मैं जल्दी से लेके आ जाती हूँ। मुझे तंग मत करो, देखो तुम्हारा रोना मुझे देखा नहीं जा रहा है बेटा। जल्दी जल्दी से पैसे निकाल के रखो, मैं आती हूँ जल्दी से, आती हूँ जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है आंटी, मैंने पैसा छुपा के रखा है। देखो आंटी, मैं सच में बताऊँ आपको, ये देखो ये 500 रुपये का नोट है आंटी, मैंने छुपा के रखा था। प्लीज आंटी, हमने रोज 2 रुपया 2 रुपया 5 रुपये 5 रुपये करके 500 5 साल में जमा किए होंगे, प्लीज आप ये पैसे लेकर। अरे रे बेटा, ये पैसे लेकर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये पैसे के मैं दो फ्रूटी लाऊंगी और बाकी सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, तुम इतना विश्वास करो बेटा। हाँ आंटी, नहीं तो ना हमारी तो बैंड बज जाएगी। सही में आज पप्पा तो घर पे है ही नहीं, और पप्पा तो पहले बहुत गर्म हो जाएंगे, दोनों फ्रेश होने गए हैं। अरे रे बेटा, क्यों डर रहे हो इतना? तुम्हारी कांता मावशी बेईमान नहीं है, सारे के सारे पैसे लाऊंगी। अरे रे, हमें तो डर लग रहा है कांता आंटी, अब लेके तो नहीं भाग जाओगी ना 500 रुपये? नहीं नहीं मैं लेके नहीं भागूंगी बेटा। चलो चलो जल्दी से भाग जाती हूँ। क्या बोला आंटी आपने? कुछ नहीं बोला बेटा, कुछ नहीं बोला। चलो चलो मुझे पैसे दे दो, जल्दी जल्दी से पैसे दे दो। गाइज, अभी कांता ने पैसे ले लिए हैं, अब कांता जा रही है फ्रूटी लाने। लेकिन इन्हें पता नहीं है बच्चों को कि कांता ने सोच लिया है कि आज से काम छोड़ देने का और यहाँ से रफू चक्कर हो जाने का, क्योंकि ये 500 रुपये की नोट जितनी कमाई कांता पूरा महीना भर में भी नहीं कमा पा रही है, तो इसलिए अभी कांता भागने की तैयारी में है। चलो चलो भाई, 500 रुपये मिल चुके हैं। अरे रे, ये बच्चे तो पूरे बेवकूफ है, अपने माँ बाप से तो लड़ते रहते हैं, लेकिन नहीं पता नहीं कांता क्या चीज है। अभी 500 रुपये लेके मैं तो भाग जाऊंगी और दिखूंगी भी नहीं यहाँ पे, और ज्यादा कुछ बोला तो इसकी पप्पा की पिटाई कर दूंगी, वैसे भी सारा गांव मुझसे डरता है। अरे रिकू, मुझे तो डर लग रहा है, कांता आंटी आएगी ना आएगी ना आएगी ना। अरे रे, पता नहीं क्या होता है क्या होता है, पता नहीं क्या होता है क्या होता है। ओहो, अभी क्या होगा? अब यहाँ पे कांता मौसी ने गेम खेला है गाइस। कांता ने गणेश के हाथ में पैसे दे दिए। अब गणेश यहाँ पर देखो क्या कर रहा है। गणेश ने कांता मौसी से फ्रूटी ले लिया और बस वाले को जो बोला कि यहाँ पे रिक्कू चिक्कू के घर के आ छोड़ दे, इसलिए बस वाला भी आ रहा है। और दोनों फ्रूटी 20 रुपए में लेकर कांता मौसी 20 रुपए का फ्रूटी थमाकर भाग गई। दोस्तों आप देख सकते हो। अरे गणेश, तुम कैसे आ गए यहाँ पे? अरे तुम्हारी कांता मौसी है ना काम करने वाली, उसने मुझे कहा कि रिक्कू चिक्कू को बोलो कि ये फ्रूटी ले ले। ओहो, अरे रे रे, अरे क्या हुआ गणेश, तू क्यों गिर रहा है? अरे रे, मैं गिर नहीं रहा हूँ, मेरा पैर फिसल गया था। अभी जल्दी जल्दी से रिक्कू, तुम लोग ये फ्रूटी ले लो जल्दी जल्दी से। हाँ हाँ अरे गणेश, तुझे नहीं पता कांता मौसी कहाँ गई? अरे मुझे कैसे पता होगा, उसने थोड़ी कुछ बोला है, उसने तो मुझे सिर्फ कहा कि जाके फ्रूटी अपने दोस्त को दे देना। अरे तुझे नहीं पता कांता मौसी 500 रुपये लेकर गई है? अरे रे, मेरी तो मुसीबत हो गई,
अरे रे रे, अरे कांता मौसी 500 रुपए लेके चली गई। अरे मुझे नहीं पता है भाई, मुझे तो बोला फ्रूटी देने को, तो मैं फ्रूटी देने आ गया। ले लो फ्रूटी और मुझे जाने दो, स्कूल की बस में लेकर आया हो, देखो अंकल अच्छे हैं इसलिए, नहीं तो अभी तक अंकल ने मुझे छोड़ा भी नहीं होता। ओहो अभी क्या होगा, ये फ्रूटी के चक्कर में तो हमारी वाट लग गई, मम्मी को पता भी नहीं। अरे देखो देखो जो भी है तुम्हारी बातें तुम लोग करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से मैं जा रहा हूँ स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, मेरी मम्मी चिल्लाएगी जल्दी से, तुम्हारा फ्रूटी ले लो जल्दी से। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हमारी फ्रूटी दे दो, ये लो फ्रूटी तुम्हारी, ये लो तुम्हारी फ्रूटी। मैं तो चला स्कूल में, तुम्हें तो फ्रूटी पीने में ही टाइम गंवाना है, पढ़ाई तो तुम्हें थोड़ा भी नहीं करना, तो हम क्या कर सकते हैं, यही सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है, पढ़ाई नहीं करना है और फ्रूटी फ्रूटी किए जा रहे थे, अभी भोगना पड़ा ना 500 रुपए। ओह गणेश की बात सच है, मैं तो फ्रूटी फ्रूटी के चक्कर में पढ़ाई मिस कर रहा था और यहाँ पे देखो कितनी मुसीबत आ गई, अगर मैं पढ़ाई करने जाता तो ये सब होता ही नहीं, होता ही नहीं, सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और एक तो 500 रुपए भी गए और 20 रुपए की फ्रूटी थमा दी है इधर। ओहो अब मैं क्या करूं, चलो गणेश जा रहा है, बाय बाय रिक्कू चिक्कू, मैं तो निकल रहा हूँ, बाय बाय गाइस, बाय बाय, चलो चलो। अरे बाबा हम तो चले हमारी पढ़ाई की ओर, हम कहाँ से ये रिक्कू चिक्कू के चक्कर में पड़े। चलो अंकल रिक्कू चिक्कू के बस में अब गणेश अकेला ही चला गया है गाइस, क्योंकि इनके लिए रुक रुक के वो थक गया। अभी देखो गाइस आपको हमारा चैनल पसंद आया ना तो नक्की सब्सक्राइब करें, आगे की कहानी में हम देखते हैं क्या होता है। ओहो आगे की कहानी में क्या होगा गाइज, रिक्कू चिक्कू के मम्मी पापा इनकी पिटाई करने वाले अगर इन लोगों ने बताया तो। आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करें, चलो बाय बाय दोस्तों।